गाइस ये जो आपको सामने ट्रैक्टर दिख रहा है ना, इसमें जो सामान लदा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। कैमगंज में जो है ना, मतलब यहाँ पे तंबाकू है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से तंबाकू का पूरा ट्रैक्टर है, इसीलिए यहाँ पे तंबाकू की महक लग रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो लोग बैठे हैं एम्प्लॉयज, मुझे लग रहा है ये सारे लोग नशे में ही रहते होंगे। तुमको ये है कैमगंज का बस स्टैंड, यहीं से बसें जाती हैं। रास्ते में जो अमरूद के आपको बाग दिख रहे हैं ना, इन बाग से ही ये लोग अमरूद तोड़ के यहाँ पे सेल करते हैं रास्ते में, एकदम फ्रेश फ्रेश। कैसे दे रहे हो अमरूद? तो गाइस आप सामने देखिए, ये आपको जो खेती दिख रही है, मतलब पिलर्स खड़े हुए हैं ना, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है। हमारे फर्रुखाबाद में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती होना स्टार्ट हो गई है, कितनी अच्छी बात है। तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है वापस से आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइस मैं हूँ अभी कायमगंज में, और आप सामने देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये कायमगंज का रेलवे स्टेशन है, और अभी फ़िलहाल रेलवे क्रॉसिंग तो लगी हुई है वहाँ पे। तो गाइस आज का वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं आज के वीडियो में मैं जाने वाला हूँ कायमगंज से फर्रुखाबाद। इस वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कायमगंज से जब हम लोग फर्रुखाबाद की तरफ जाते हैं तो बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ें हम लोगों को रास्ते में दिखती हैं। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर से करिएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 3:26 और हम लोग यहाँ से चलते हैं। अप्रॉक्स से यहाँ से जो फर्रुखाबाद है वो 35-40 किलोमीटर होगा, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, आगे मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो भाई जिस रोड पे मैं भी चल रहा हूँ ना, इसे हम लोग रेलवे रोड बोलते हैं यहाँ पे, और यही वाला रोड है वो एटा, अलीगंज और दिल्ली की तरफ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड हो जाता है, बसेज हैं वो भी यहीं से निकलती हैं। तो गाइस आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, चलता हूँ मैं आगे और दिखाता हूँ चल के क्या क्या है रास्ते में। तो गाइस जैसे ही हम लोग रेलवे स्टेशन वाले रोड से थोड़ा और आगे आते हैं ना, तो आपको मिलता है बहुत ही प्यारा सा एक चौराहा, और आप देखिए क्या बना हुआ है, अशोक स्तंभ है बहुत ही प्यारा सा। और यहीं से बहुत सारी जगह रोड जाते हैं, यहाँ से आप कंबिल भी जा सकते हैं, यहाँ से फर्रुखाबाद भी जा सकते हैं, और ये सामने जो रोड दिख रहा है इससे आप जा सकते हैं अंदर सिटी के अंदर। कायमगंज काफ़ी बड़ी सिटी है, यानी फर्रुखाबाद ज़िले में 2nd नंबर का शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, और यहाँ पे तहसील भी है और ये ब्लॉक भी है फर्रुखाबाद का, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल तो हम इस चौराहे से आगे आ चुके हैं, चलते हैं इस वाली जर्नी में। और इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। जैसे जब हम लोग कायमगंज से फर्रुखाबाद की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारी नर्सरी आपको दिखती है, यहाँ पे आप डेकोरेशन के लिए पौधे खरीद सकते हैं, पेड़ खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। देखिए चिट्ठा सामने एकदम बिना किसी का वेट किए सीधा ट्रैक्टर अपना आगे लगा दिया। इन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बाकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इन्जॉय करिए, घर से बाहर निकलिए, घूमिए, दुनिया को देखिए। मतलब बेसिकली मेरा पैशन तो घूमने का है, मैं अभी जस्ट इधर आया हुआ था कायमगंज, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए कि क्या क्या है कायमगंज से जब हम लोग फर्रुखाबाद की तरफ जाते हैं। और बेसिकली रोड भी थोड़ा ठीक ही है, ज़्यादा ख़राब रोड नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग अहमदाबाद जाते हैं तो ज़्यादा ख़राब रोड आता है। ये सामने जो आपको रोड दिख रहा है ना, ये जो रोड है वो सीधा जाता है इधर संकिसा की तरफ, संकिसा जा सकते हैं, नीव करोरी जा सकते हैं, अहमदाबाद भी जा सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रुक के दिखाता हूँ अच्छे से। लिखा हुआ है संकिसा 26 किलोमीटर, नीव करोरी 34 किलोमीटर और अहमदाबाद 41 किलोमीटर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कायमगंज के तिराहे पे, आप देखिए यहीं से बसेस निकलती हैं, और ये वाला जो रोड है वो जो कायमगंज का मार्केट है उस तरफ चला जाता है, और यहाँ से आप कंपिल भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी फर्रुखाबाद, तो अभी दिखाते हैं चल के आपको क्या क्या है। और ये है कायमगंज का बस स्टैंड, यहीं से बसें जाती हैं, और इसके सामने वैसे ये दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन इसका एग्ज़िट गेट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है इसका एग्ज़िट गेट, ज़्यादा बड़ा तो बस स्टैंड नहीं है, लेकिन बसेस तो आई थिंक यहीं से होके जाती हैं सारी फर्रुखाबाद, तो अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको बस तो मिल ही जाएगी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कायमगंज और फर्रुखाबाद वाले मेन रोड पे, तो यहाँ से आपको कहीं नहीं मोड़ना है, बस सीधे चलते चले जाना है, आप फर्रुखाबाद पहुँच जाएंगे। और आप हमारे वीडियो में बने रहिए एंड तक, आपको पता ही चल जाएगा कैसे पहुँचना है। देखिए आप मंगलम पैलेस, काफ़ी बड़ा सा एक गेस्ट हाउस बना हुआ है,
बेसिकली यहाँ पे शादियाँ अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, और मुझे तो लगता है कायमगंज का सबसे बड़ा गेस्ट हाउस यही है। अगर आपको पता है कि कोई सबसे बड़ा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन मैंने तो सबसे बड़ा अभी तक यही देखा है। देखिए एकदम ब्लाइंड मोड है, यहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुली जाना पड़ेगा। नगर पालिका परिषद कायमगंज जिला फरुखाबाद। तो अभी कायमगंज है उससे हम लोग थोड़ा बाहर आ गए हैं, अभी आगे आपको दिखाते हैं चल के। रास्ते में आपको आम के, अमरूद के बहुत सारे आपको बाग दिखेंगे, और नर्सरी तो आपको तमाम दिख जाएंगी। दिल संभल जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यही रुक जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। गाइस ये जो नज़ारे हैं ना, मतलब इन लोकेशन से आपको प्यार हो जाएगा। देखिए आप दोनों तरफ पेड़ और बीच से प्यारा सा रोड, गड्ढे भी नहीं है, तो आप आराम से मज़े से जा सकते हैं इस वाले रोड पे। ट्रैवलिंग का यही तो एक बेस्ट पार्ट है कि मतलब मंजिल पे तो आप पहुंच ही जाते हैं इधर उधर से होके किसी भी रास्ते से, लेकिन मैटर करते हैं रास्ते आपने कितने ज़्यादा इन्जॉय किए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि राइड सेफ, लेकिन आप घूमिए बहुत, क्योंकि घूमेंगे तो आपको नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। आप देखिए किनारे जो पूरा बना हुआ है, एक पूरा बाग है आम का, मैंगो के सीज़न में यहाँ पे आपको बहुत सारे आम मिल जाएंगे। देखिए यही रुक जरा। गाइस आई नो कि मैं मतलब एक अच्छा सिंगर नहीं हूँ, और लेकिन फिर भी मतलब जब आप ऐसी जगह से जाते हैं ना तो अंदर से आपके कुछ सॉन्ग्स निकलते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप लिरिक्स पे जाइए कि मतलब कितने प्यारे लिरिक्स हैं। मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आसपास रहते हैं ना तो आप इस कायमगंज वाले रोड पे आप ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए आप नर्सरी है, यहाँ से आप बहुत सारे पौधे परचेज करके ले जा सकते हैं घर पर, आप प्लांट कर सकते हैं उन्हें। ये गाइस देखिए आप कितनी प्यारी सी नर्सरी है, बहुत सारे डेकोरेशन के यहाँ पे पौधे मिल रहे हैं। अगर आपको डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी पौधे परचेज करने, ले सकते हैं आप। फरुखाबाद 29 किलोमीटर, तो यहाँ से 29 किलोमीटर बचा है। वही मैं आपसे बोल रहा था कि अप्रॉक्स 35 या 40 किलोमीटर होगा, तो वही है 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो हम लोग निकल आएंगे होंगे ना। के इनके बारे में मतलब क्या ही मैं कहूँ यार, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि जितने वर्ड्स मैं बोलूँ ना वो कमी पड़ जाएंगे। आप देखिए रास्ते में जो अमरूद के आपको बाग दिख रहे हैं ना, इन बाग से ही ये लोग अमरूद तोड़ के यहाँ पे सेल करते हैं रास्ते में, एकदम फ्रेश फ्रेश। कैसे दे रहे हो अमरूद? 30 रुपये किलो अमरूद दे रहे हैं। तो गाइस ये खड़ी हमारी चाली, और यहाँ से थोड़े मैं अमरूद परचेस कर रहा हूँ एकदम फ्रेश फ्रेश। उसके बाद चलते हैं, ये वाला भी डाल दो। गाइस अमरूद मैंने परचेज कर लिए हैं, ज़्यादा तो नहीं, 1/2 kg लिए हैं मैंने, लेकिन मतलब आप देखिए पीछे बाग है और वहीं से तोड़ के एकदम फ्रेश फ्रेश अमरूद सेल कर रहे हैं। तो यही तो खूबसूरती है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था, और आप देख भी रहे हैं इस वाले वीडियो के थ्रू। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ ना कि मतलब मंजिल पे तो लोग पहुँच ही जाते हैं, लेकिन रास्ते भी मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए अभी हम बेसिकली कोई कॉलेज है यहाँ पे, DNSD इंटर कॉलेज, यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चल के और क्या क्या मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ मुझे दिखी तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए इसके बारे में। आगे पहुँचते हैं फिर आपको और दिखाते हैं क्या मिलता है रास्ते में। तो गाइस हम लोग अभी पहुँच चुके हैं फैज़ बाग। आप देखिए यहाँ से आप ढाईघाट भी जा सकते हैं, 8 किलोमीटर है, समसाबाद 4 किलोमीटर है। तो यही जो रोड है वो जाता है ढाईगढ़ और समसाबाद की तरफ। तो ये है फैज़ बाग। आप देखिए यहाँ पे भी कुछ मार्केट जैसा लगता है, लेकिन इतना बड़ा तो मार्केट नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा पीछे कि कायमगंज में ज़्यादा बड़ा मार्केट है। पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे
गाइस आप सामने देखिए, ये आपको जो खेती दिख रही है, मतलब पिलर्स खड़े हुए हैं ना, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती है। हमारे फर्रुखाबाद में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती होना स्टार्ट हो गई है, कितनी अच्छी बात है। जब सीज़न हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रेश फ्रेश मिलेगा एकदम। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक तिराहे पे। ये वाला जो रोड है वो नवाबन की तरफ जाता है, और आजकल के टाइम पे तो मैक्सिमम बसें भी उधर से जाती हैं, क्योंकि आगे है एक ओवर ब्रिज बन रहा है सुकरुल्लापुर के पास में। बाइक तो कहीं ना कहीं से भी तो निकल सकती है, तो हम लोग तो चलते हैं इसी रोड से, लेकिन बड़े जो व्हीकल्स हैं ना वो नहीं जा पाते उधर से। चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आपको। कायमगंज के बारे में एक चीज़ और फेमस है, आप देखिए पूरा गन्ने का पूरा ट्रैक्टर भर के जा रहा है, और रास्ते में भी बहुत सारे गन्ने पड़े हुए हैं, यानी गन्ने की भी खेती होती है यहाँ पे, तभी इतने सारे ट्रैक्टर्स और ये सब भर के जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जस्ट सुकरुल्लापुर पहुँचने वाले हैं। आप सामने देखिए, ये है ओवर ब्रिज, जो फ्लाई ओवर बन रहा है ना सुकरुल्लापुर की, जो रेलवे क्रॉसिंग है उसे बाईपास करने के लिए। वो जब आप कायमगंज से फर्रुखाबाद की तरफ जाते हैं तो ऐसा दिखता है, मतलब आई थिंक मैक्सिमम काम इसका कंप्लीट हो ही गया। आप देखिए यहाँ से जो रोड है ऊपर तक जा रहा है, और बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हैं, बस इसमें जो रोड है वो अच्छे से अभी बिछाया नहीं गया है, यहाँ तक बन गया ये। लेकिन यहाँ उस तरफ जाने के लिए सामने तो रास्ता बंद है, लेकिन हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, पूरा ऑफ रोड हो गया है गाइस। ऑफ रोड का पूरा मज़ा आ गया, देखिए गर्दन आप ऊपर करके नहीं जा सकते हैं, रगड़ जाएगी ऊपर। तो गाइस जस्ट हम लोग अभी फर्रुखाबाद पहुंचने वाले हैं। आप देखिए ये वाला जो सामने आपको रोड दिख रहा है ना, ये वाला रोड जाता है स्टेशन की तरफ, लेकिन हम लोग चल रहे हैं मेन रोड से, क्योंकि मेन रोड पे क्या है थोड़ा ट्रैफिक कम मिलेगा। ये आपने पीछे देखा है जो रेलवे स्टेशन का रोड जा रहा था, उससे भी आप लोग फर्रुखाबाद जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ से आपको थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, इसलिए आप मेन रोड से जाएंगे तो आप इजीली जल्दी से पहुँच सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो भी वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। यहाँ से आप थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो आपको सामने दिखेगी ये रेलवे क्रॉसिंग, फिलहाल तो अभी खुली हुई है, और यहाँ से हम लोग सीधा लाल गेट और ठंडी सड़क की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सेकंड क्रॉसिंग के पास में, और जैसे ही आप इसे क्रॉस करेंगे आप पहुँच जाएंगे ठंडी सड़क पे, और यहीं से जो रेलवे स्टेशन का रोड है वो भी यहीं से जाता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जस्ट पहुँचने वाला हूँ फर्रुखाबाद के लाल गेट पर, और इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वीडियो का वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर से करिएगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे। गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।